नमस्कार, समाचार 24/7 से अनिल वर्मा। और अब इस समय हम एक राजनीतिक पर चर्चा करने के लिए लेकर आए हैं महेंद्र प्रताप सिंह शुक्रवार को, और अब उनसे बात करेंगे दिल्ली के बिगड़ते हुए हालातों पर, दिल्ली की सरकार के ऊपर और कोरोना के दौर में चल रहे राजनीतिक हालातों पर। तो महेंद्र प्रताप सिंह, स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आपका। तो आप ये बताएं कि अभी दिल्ली के अंदर जो हालात चल रहे हैं, इस समय हम देख रहे हैं कि हर तरफ पानी के लेकर के बड़ी मारामारी चल रही है, इस पर आपका क्या, आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप देखते हैं, आप दिल्ली में घूमते हैं, आप एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी हैं, तो दिल्ली के अंदर जो पानी की समस्याएं चल रही हैं उसके ऊपर आपका क्या? सबसे पहले तो वर्मा जी, मैं कहना चाहता हूँ कि ये दिल्ली जो है देश की राजधानी है जी, और मुझे बड़ा शर्म आती है कि हमारे केजरीवाल जी, जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इस दिल्ली को नरक बना रखा है। कैसे? जगह जगह पानी भर जाते हैं, मिंटो ब्रिज का हालत आपने देखा होगा, बसें तक डूब जाती हैं। अगर आप दिल्ली सरकार चला रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं आप, जनता ने आपको चुन के भेजा है, तो आपको फर्ज बनता है कि आप 2-4 महीने तैयारी करवाइए, आप नाले साफ करवाइए, आप गटर साफ करवाइए, और इस तरीके से आप सुविधाएं दीजिए लोगों को कि ऐसा जल भराव हो ही ना दिल्ली के अंदर। तो आप क्या कर रहे हैं? इतनी गंदी दिल्ली है कि शायद देश के अंदर आज कोई भी ऐसा शहर नहीं होगा जो दिल्ली से कम गंदा होगा। आप फंसे हैं कहीं जाम में? बिल्कुल, मैं बहुत जाम में फंसा हूँ, बहुत जाम में फंसा हूँ। मैं देखता हूँ डिवाइडर के चारों तरफ हर जगह मिट्टी पड़ी होती है, और उसके कारण बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है गिरते हुए और घायल होते हुए, उनका एक्सीडेंट होते हुए। आपने मदद करी है किसी की? बिल्कुल, मैंने मदद की है काफ़ी लोगों की, कुछ लोगों को मैं हॉस्पिटल भी लेके गया हूँ, और हॉस्पिटल की हालत भी कहते हैं केवल केजरीवाल जी, मैंने हॉस्पिटल को बहुत सुधार दिया है, लेकिन आज भी वहाँ ना तो उनका टोल फ्री नंबर लगता है और ना उनकी सुविधाएं इस खिड़की से उस खिड़की, उस खिड़की से इस खिड़की पे जाना, और इस तरीके की अव्यवस्थाएँ फैली हुई हैं कि आज शर्म आती है मुझे दिल्ली में रहते हुए कि दिल्ली को इन्होंने क्या बना रखा है। 70 वादे किए थे, वाईफाई फ्री दूंगा, जल दूंगा, जल फ्री दूंगा, फ्री दे रहे हो तो गंदा जल दे रहे हो आप। इतना बदबूदार पानी आता है कि लोग शर्म से ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। मतलब आपका कहने का अर्थ ये है कि जो दिल्ली की सड़कों पर पानी है वही पानी पीने में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मुझे तो लगता है शायद केजरीवाल जी ने सारे नल के पाइप जो हैं नाले में डाल रखे हैं। लेकिन केजरीवाल जी तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि मैं सब कुछ दे रहा हूं, और जो है पूरी दिल्ली में उनके होर्डिंग्स लगे हुए हैं। दावे ही करते हैं वो, 1 करोड़ दूंगा, लिस्ट तो देते नहीं है कभी वो कि किसको किसको दिया है। 1 को देते हैं, 100 को बताते हैं, केवल एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा करते हैं, बाकी का कुछ नहीं करते हैं। नहीं, काम तो अपना काम बहुत गिना रहे हैं, जगह जगह उनके होर्डिंग लगे हुए हैं। बस गिना रहे हैं वो, बस गिनाते रहते हैं, लिस्ट दे के दिखाएं वो क्या क्या किया है दिल्ली के अंदर। तो अभी जो राशन, मुफ्त राशन जो मोदी जी दे रहे हैं, तो केजरीवाल जी कह रहे हैं राशन मुफ्त में दे रहा हूं, तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? केजरीवाल जी जो मुफ्त राशन दे रहे हैं, लेकिन राशन लोगों को मिल कहां पा रहा है? नहीं, वो केजरीवाल जी रियलिटी में गरीब लोग हैं, उनको तो राशन ही नहीं मिल पा रहा है। राशन केजरीवाल जी दे रहे हैं या मोदी जी दे रहे हैं? राशन तो मोदी जी दे रहे हैं। तो फिर केजरीवाल जी क्यों जो है अपना, केजरीवाल जी का तो सीधा हिसाब है कि हल्दी लगे न फिटकरी, रंग चोखा आना है। सारा ये केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, इसमें लगभग 90% जो अनुदान होता है वो केंद्र सरकार देती है, 10% उसमें दिल्ली सरकार तो देती है। आपने आवाज उठाई है, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं, आपने कहीं आवाज उठाई है केजरीवाल जी के खिलाफ इसे लेकर? बिल्कुल, मैं आवाज उठाता रहता हूँ, फेसबुक पर बोलता रहता हूँ, बाकी आंदोलनों में भी शामिल होता हूँ, और मैंने पानी के प्रदर्शन भी किए हैं उनके विधायकों के सामने, उनके निगम पार्षद के घर के सामने, लेकिन उनके किसी भी निगम पार्षद या विधायक या उनके मंत्री या खुद वो मुख्यमंत्री केवल मस्त एकदम एसी में सोते रहते हैं, कोई काम नहीं है, ना बाहर निकलते हैं, ना जनता के बीच जाते हैं, केवल उन्होंने कुछ अपने लोग बना रखे हैं, बस उन्हीं के पीछे घूमते रहते हैं। तो जो कोरोना के जो 1.5 साल का कोरोना रहा है, केजरीवाल जी कहते हैं मैंने कोरोना बड़े अच्छे ढंग से संभाला है, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? कोरोना में तो इन्होंने इतने लोगों को मार डाला, जानबूझ के मार डाला, और ये व्यक्ति ऐसा है कि ये व्यक्ति घर से बाहर ही नहीं निकला और अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया, ये क्या है? ये केवल दिखावा है, और ये दिखावा ही करता है, इसके अलावा ये कुछ नहीं करता। तो जो मोहल्ला क्लिनिक है, उन्होंने कोरोना काल में क्या रोल निभाया? सारे मोहल्ला क्लिनिक को आप देखो क्या हो रहा है, लोग बैठ बैठ के शराबें पी रहे हैं, लोग बैठ बैठ के वहाँ ताश खेल रहे हैं,
तो आपने शिकायत करी इसकी? बिल्कुल शिकायत की हुई, एक जगह मैंने शिकायत की थी जहाँ मोहल्ला क्लिनिक बनी हुई है वहाँ ताले पड़े हुए हैं सब जगह, कोई है ही नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं इनकी सरकार में, कोई सुनने वाला ही नहीं। आपके पास कोई प्रमाण है इसका कि वहाँ बैठ के शराब पी जाती है मोहल्ला क्लिनिक के अंदर बैठ के? नहीं, इल्जाम लगाना तो आसान बात है। लेकिन मैं प्रमाण भी दे दूंगा, प्रमाण भी दे दूंगा, जल्दी से जल्दी आपको प्रमाण भी दे दूंगा। दर्शकों को दिखाएंगे ना प्रमाण? आप प्रमाण? बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्रमाण भी दूंगा इसकी। हाँ, हम दर्शकों को दिखाएंगे। मैं ये अभियान शुरू कर रहा हूँ कि इनकी मोहल्ला क्लिनिक या इनकी योजनाएं जो भी हैं, किस तरीके से इन्होंने दिल्ली में योजनाएं दे रखी हैं, जो झूठ बोलते हैं, ये झूठ का जंजाल फंसा रखा है इन्होंने और बना रखा है, उसको बिल्कुल खत्म करने के लिए मैं अभियान चलाऊंगा। आपके पास, आप सामाजिक कार्यकर्ता की पहचान रखते हैं, आपके पास जो भी प्रमाण है किसी भी सरकार के खिलाफ आप हमें दे, हम दिखाएंगे। अगर आपको कहीं से समस्या है तो आप हमें दें, हम उसको जनता के सामने लाएंगे उन प्रमाण। बिल्कुल, मैं प्रमाण आपको दूंगा और जल्दी से जल्दी आपको प्रमाण दूंगा। तो देख रहे हैं आप, दिल्ली की समस्याओं को लेकर के हमने आपके सामने समस्याएं पूछी और उन्होंने बताया कि दिल्ली के अंदर क्या क्या समस्या है। सबसे बड़ी समस्या इस समय पानी को लेकर है कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, और जो पानी पीने का मिल रहा है वो ऐसा पानी है कि जो गटर से आ रहा है, कि दिल्ली की सड़कों पर जितना पानी है उतना ही पानी नलों के अंदर पीने वाला वही पानी मिल पा रहा है। मोहल्ला क्लिनिक की अगर बात करें तो मोहल्ला क्लिनिक के बारे में खैर महेंद्र जी ने जो कहा वो सच्चाई मैं भी जानता हूँ, लेकिन महेंद्र जी से पूछना इसलिए था क्योंकि इल्ज़ाम लगाना एक आसान काम है और मैं खुद देखता हूँ कि मोहल्ला क्लिनिक की हालत ऐसी है कि उससे अच्छा तो एक गली के अंदर जो झोला छाप डॉक्टर होता है ना, वो बढ़िया निकलेगा उससे ज़्यादा। और विज्ञापनबाजी की बात कहें तो विज्ञापन बारे में तो आप सड़कों पर निकल कर देखते होंगे कि हर तरफ केजरीवाल जी छाए हुए हैं, चाहे अगर एक फुटपाथ पे एक डिवाइडर भी बनता है ना तो उसका भी केजरीवाल जी विज्ञापन कर देते हैं कि डिवाइडर का शिलान्यास किया है। तो हम फिर मिलते हैं आपसे किसी नई शख्सियत के साथ। नमस्कार। नमस्कार।